नमस्कार, स्वागत है आपका आईबेक्स स्टडी पॉइंट के खास प्रोग्राम करंट न्यूज एनालिसिस में, जहां पर हम और आप करंट मुद्दों पर चर्चा करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का सीएनए। सीएनए में आज का क्वेश्चन है, नीलगिरी तहर परियोजना किस राज्य द्वारा लॉन्च की गई है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी केरल, डी कर्नाटक। तो चलिए बताते हैं आपको नीलगिरी तहर परियोजना के बारे में। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि नीलगिरी तहर है क्या। तो नीलगिरी तहर एक अनगुलेट है। अनगुलेट को कह सकते हैं आप, एक जंगली प्राणी है जो केरल और तमिलनाडु में पश्चिमी और पूर्वी घाट के दक्षिणी भाग के लिए स्थानिक है। मतलब वहाँ पर पश्चिमी और पूर्वी घाट के दक्षिणी भाग में यह पाया जाता है। यह मुख्य रूप से नीलगिरी की पहाड़ियों में पाया जाता है। कहाँ पर है? नीलगिरी की पहाड़ियों में। और यह तमिलनाडु का राजकीय पशु है। अब भारत के तमिलनाडु और केरल राज्यों में नीलगिरी पर्वत और पश्चिमी घाट के दक्षिण भाग में रहने वाला यह एक जंगली प्राणी है। ठीक है, नीलगिरी तहर जिसको कहा जाता है, यह एक जंगली प्राणी है जिसके निकट संबंधी कौन कौन है? जंगली बकरी और भेड़ है। इसे स्थानीय बोलचाल में नीलगिरी शौकीन, यानी कि इंग्लिश में कहा जाए तो आइबेक्स इसको कहा जाता है, या केवल शौकीन के नाम से भी जाना जाता है। और यह एक संकटग्रस्त जाति है। आप चित्र में देख सकते हैं, यह लगभग भेड़ की प्रजाति या जंगली बकरी की प्रजाति का लगभग उसी प्रकार का होता है। और यह तमिलनाडु राज्य में और केरल राज्यों में पाया जाता है। यह चूँकि एक संकटग्रस्त जाति है, इसलिए इसके रक्षा के लिए, नीलगिरी तहर के रक्षा के लिए चलाया गया है तमिलनाडु राज्य द्वारा। तो अतीत में यह प्रजाति, अब इसकी बात की जाए तो अतीत में यह प्रजाति जो थी, यह पश्चिमी घाट के पूरे क्षेत्र में पाई जाती थी। जो पश्चिमी घाट था पूरे क्षेत्र में पाई जाती थी, और यह वर्तमान में केवल छोटे खंडित क्षेत्रों में देखा जाता है। अधिकांश आबादी इसकी ऐतिहासिक सीमा में नहीं पाई जाती है, और मौजूदा तहर विभिन्न चुनौतियों के कारण जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस प्रजाति को संकटग्रस्त प्रजातियों की IUCN लाल सूची में लुप्त प्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। अनगिनत खतरों के कारण यह भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत संरक्षित किया गया है। ठीक है, किस वन्य जीव संरक्षण जो अधिनियम है 1972 का, उसकी अनुसूची 1 के तहत इसको संरक्षित किया गया है। यह वर्तमान में किस कारण से विलुप्त हो रहे हैं? तो इस क्या है, आवासों के विखंडन, विदेशी प्रजातियों के आक्रमण, जंगल की आग, वन संसाधनों के अतिदोहन और पारिस्थितिक डेटा या समझ की कमी जैसी चुनौतियों के कारण स्थानीय विलुप्त होने के खतरे में हैं। अब नीलगिरी तहर परियोजना की बात करें हम, तो इन्हीं की रक्षा के लिए, नीलगिरी तहर को बचाने के लिए तमिलनाडु सरकार द्वारा, इनके राजकीय पशु की बात है इसलिए तमिलनाडु सरकार ने राजकीय पशु के संरक्षण के लिए नीलगिरी तहर परियोजना शुरू की है। नीलगिरी तहर संरक्षण परियोजना को तमिलनाडु सरकार द्वारा 25.14 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ शुरू किया गया है, और यह योजना 2022 से 2027 तक लागू की जाएगी। इस परियोजना के तहत राज्य सरकार सर्वेक्षणों और रेडियो टेलीमेट्री अध्ययनों के माध्यम से नीलगिरी तहर की वर्तमान जनसंख्या स्थिति की समझ में सुधार करना चाहती है, और इस पहल का उद्देश्य प्रजातियों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना भी है। इस परियोजना को तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। वित्त पोषित कौन करेगा? तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। तो इस तरह से आज के क्वेश्चन का उत्तर हमें मिल गया है कि नीलगिरी तहर परियोजना किस राज्य द्वारा लॉन्च की गई है। तो यह उत्तर है तमिलनाडु राज्य द्वारा। आज के वन लाइनर फॉर्म में करंट अफेयर से संबंधित कुछ और भी क्वेश्चन हैं जिनको हम पढ़ लेते हैं। किस नेता के नाम पर एक तारे का नाम रखा गया है? तो किस तारे, एक तारे का नाम किसके नाम पर रखा गया है? अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर। अगला, किसे सेना का इंजीनियर इन चीफ नियुक्त किया गया? तो सेना का इंजीनियर इन चीफ नियुक्त किया गया है अरविंद वालिया को। एक पुस्तक अभी लॉन्च हुई है, फ्रॉक्स इन द रोड माई डे एट RBI एंड बियॉन्ड। यह किसके द्वारा लिखी गई है?
तो यह सी रंगराजन द्वारा लिखी गई है। सी रंगराजन कौन थे? आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, तो इनके द्वारा लिखी गई है। किस राज्य में शहरी सेवाओं में सुधार के लिए भारत और एडीबी ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो शहरी सेवाओं के सुधार के लिए तमिलनाडु राज्य ने एडीबी और भारत और एडीबी ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। किस राज्य में शहरी सेवाओं के सुधार के लिए? तमिलनाडु राज्य के। इसके अलावा किस देश में बाढ़ के कारण 46,000 लोगों को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा? तो फिलीपींस राज्य में बाढ़ के कारण लगभग 46,000 लोगों को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा है। तो ये कुछ करंट अफेयर से संबंधित आज के क्वेश्चंस थे। आप चैनल पर हमारे बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार।